नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में बिजली बिल जमा करने को लेकर नियम में बदलाव होने वाला है। अब तय समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने वालों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। बिजली कंपनी ने तय समय से अधिक समय पर बिल भुगतान करने वालों से अब अधिक DPS यानी कि विलम्ब शुल्क अधिभार वसूलने का निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इस बाबत बिहार विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। आयोग की मुहर लगते ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में 1,62,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता है, वहीं तय समय पर बिल नहीं देने वालों की संख्या भी लाखों में है। दरअसल कोरोना काल में राज्य में बिजली की खपत में कोई खास अंतर भले ही नहीं आया हो, लेकिन बिल भुगतान में भारी अंतर आ गया है। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन अवधि में भी राज्य की बिजली खपत 4000 मेगावाट से अधिक की थी, लेकिन बिल वसूली का औसत 1/4 तक आ पहुंचा था। कोरोना काल में पहले कंपनी की मासिक वसूली औसतन 800 करोड़ की थी, जो लॉकडाउन में घटकर 200 से 300 करोड़ पर आ गई थी। मौजूदा समय में भी कंपनी की वसूली उतनी नहीं हुई है जितनी पहले के समय में हुआ करती थी। जबकि अगर तय समय में उपभोक्ता बिजली बिल जमा कर दें तो कंपनी को हो रहा नुकसान कम हो जाएगा। साथ ही राज्य सरकार की ओर से हर साल 1,000 करोड़ का अनुदान भी नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि कंपनी की आर्थिक स्थिति सही करने और लेट लतीफ बिल देने वाले उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसने की रणनीति के तहत कंपनी ने DPS में वृद्धि का निर्णय लिया है। अभी बिल जनरेट होने के 10 दिन तक लोगों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन इस अवधि के बाद लोगों से 1.25% DPS वसूला जाता है। कंपनी ने इसे बढ़ाकर 1.50% करने का प्रस्तावित विनियामक आयोग को दिया है। कंपनी के प्रस्ताव पर अब आयोग को फैसला लेना है। वहीं अब एडवांस पेमेंट करने वालों को अधिक ब्याज मिलेगा। दरअसल कंपनी ने वैसे उपभोक्ताओं के लिए विशेष ऑफर लाया है जो एडवांस पेमेंट किया करते हैं। अग्रिम भुगतान करने पर कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं को ब्याज दिया जाता है। अभी उपभोक्ताओं को मात्र 4% ब्याज दिया जाता है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने ब्याज की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अग्रिम भुगतान करने वालों को 4% के बदले अब 6% ब्याज देने का निर्णय लिया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि अग्रिम भुगतान करने वालों को वह ब्याज राशि भी दी जा सकती है जो बैंकों की ओर से सालाना न्यूनतम ब्याज राशि तय की गई है। ऐसे में एडवांस भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 6% से अधिक ब्याज भी मिल सकता है। बताते चले कि बिहार में बिजली व्यवस्था सही करने को लेकर विभाग सभी कारगर उपाय कर रहा है। बिजली बिल से जुड़े नियमों में समय समय पर बदलाव देखने को मिला है। राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी लगना शुरू हो गया है। इस तरह की व्यवस्था शुरू हो जाने से बिजली चोरी की समस्या खत्म हो जाएगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। वहीं अब तय समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने वालों को अब ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक आयोग की मुहर लगते ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।